सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आरपीएससी, जहाँ से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहाँ पे खबरें आई कि वहाँ पे तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है। मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा, जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो नौजवानों के इश्यूज़ हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूँ, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है, जन संघर्ष यात्रा, लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज़ को हम सुनेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। मैं 3 साल से बातों को सुन रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है कि करप्शन के खिलाफ हम सबको लड़ना है, अगर किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी, इंतजार किस बात का है। और जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, समझना चाहिए, उनकी 30-40-50 साल की राजनीति है। हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, राज्य में रहे हैं, निर्वाचित रहे हैं, पब्लिक के सामने काम किया है। अगर कोई उंगली उठा सकता है बता दे हमारे को।